कानपुर हिंसा में 3 FIR, अब तक 36 गिरफ्तार, 1000 अज्ञात पर केस। 9 दिन पहले शुरू हुई थी हिंसा की प्लानिंग। कानपुर के बेकनगंज में हुई हिंसा में अब तक 3 FIR दर्ज हो चुकी है। 2 FIR पुलिस ने दर्ज किया है। एक यतीम खाना के पास स्थित चंद्रेश्वर हाते में रहने वाले लोगों ने दर्ज करवाया है। तनावपूर्ण स्थिति के बीच रात 2 बजे यतीम खाना की सड़क पर पुलिस कमिश्नर और DM ने फ्लैग मार्च किया। घरों में दबिश देकर संदिग्ध उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस कमिश्नर विजय मीणा ने बताया कि अब तक 36 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हमें अभी तक जो फोटो और वीडियोस मिले हैं उसके जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। 40 नामजद और 1000 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। हिंसा में शामिल लोगों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। दरअसल CM योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर देर रात बुलाई गई हाई लेवल मीटिंग के बाद यह आदेश दिया है कि 3 जून को बेकनगंज इलाके के यतीम खाना बाजार में जुमे की नमाज के बाद करीब 1000 लोगों ने 5 घंटे तक उपद्रव किया। पथराव तोड़फोड़ करते हुए दुकानों को लूट लिया गया। पुलिस को उन्हें रोकने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। दंगे के दौरान यहां से करीब 50 किलोमीटर दूर कानपुर देहात के परोख गांव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद थे। साथ में PM नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और CM योगी आदित्यनाथ भी थे। बताया जा रहा है कि इस हिंसा की दरअसल कहानी आज से ठीक 9 दिन पहले शुरू हो गई थी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।